हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवर। टिकोमा ये सीड और कटिंग से ग्रो किया जाता है। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड बनता है, इससे आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये एक हार्डी परमानेंट प्लांट है। ये पूरे समर आपके गार्डन में फ्लावर ऐड करता रहता है, इसलिए इसे आपको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। टच मी नॉट, ये प्लांट सभी को बहुत ही पसंद होता है, खासकर बच्चों को। इस प्लांट को आप कटिंग से और सीड दोनों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड बनता है, इससे इस प्लांट को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी, इसके फ्लावर्स मॉर्निंग में खिलते हैं, इसलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड बनता है, जिससे आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये पूरी समर फ्लावरिंग करता रहता है। इसका रिज़ल्ट मानसून के बाद काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। साइप्रस वाइन, इसके फ्लावर्स दो या तीन कलर में आते हैं। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड बनता है, जिससे आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पूरी समर फ्लावरिंग करने वाली वाइन होती है। इसका रिज़ल्ट बारिश के बाद काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। विनका, ये पूरी समर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को आप कटिंग से और सीड दोनों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड बनता है, इससे आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये देसी वेराइटी है, इसमें दो कलर आते हैं, एक वाइट कलर भी आता है, वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। चांदनी, ये पूरी समर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बारिश के दिनों में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बारिश के दिनों में आप इसे कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक दूसरी भी वेराइटी होती है, जिसे डबल चांदनी कहते हैं। इसके फ्लावर्स में काफ़ी अच्छी स्मेल आती है, जबकि इन फ्लावर्स में स्मेल नहीं आती है। कैना लिली, ये ट्यूबर से ग्रो किया जाता है। ये काफ़ी सारे कलर्स में आता है। इसे आपको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होने वाला प्लांट है। अगर आप इसका एक प्लांट ले आते हैं तो कुछ ही महीनों में ये दो से तीन, तीन से चार बहुत ही तेज़ी से डिवाइड होता है। नाग चंपा, इसका रिज़ल्ट इस साल मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लास्ट ईयर मैं इसे 50 रुपीज़ का लेकर आया था, और इस साल इसने पूरे समय मुझे फ्लावरिंग दिया है, और अभी भी इसके काफ़ी सारे बर्ड्स बाकी हैं। ये प्लांट आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कनेर, ये काफ़ी सारे कलर्स में आता है। इसे मैंने लास्ट ईयर सीड से ग्रो किया था। ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और एक साल के अंदर ही इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड बनता है, जिससे आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर लिली, ये बल्ब से ग्रो होता है, और इसके बल्ब तेज़ी से डिवाइड होते रहते हैं। विनका कटिंग से ग्रो हो जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया, ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद सीड भी बनता है, उससे भी आप इस प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कटिंग से इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, और कुछ ही समय में ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। मैक्सिकन पिटूनिया, ये पूरी समर फ्लावरिंग करता रहता है। इसे आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैं इसका एक प्लांट लेकर आया था, अब मैंने इसके कटिंग से तैयार करके तीन प्लांट बना लिए हैं। ये बहुत ही तेज़ी से कटिंग से ग्रो हो जाता है, इसे आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।